So let us talk about a few questions on matrices. Here is the question number one. क्वेश्चन नंबर वन क्या है, ध्यान से सुने कि अगर मैंने कहा इफ, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, ए मैट्रिक्स अगर 1, 0, 1/2 और 1 के बराबर है तो देन फाइंड a की पावर 100। ए की पावर क्या निकालना है, 100 निकालना है, इसकी क्या वैल्यू होगी, दिस इज द बिग क्वेश्चन, राइट? ओके, तो क्या करेंगे आप आराम से, जब भी ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स दिया हुआ और उस मैट्रिक्स की बहुत बड़ी पावर की वैल्यू निकालनी हो तो आप सिंपल पहले तो a की पावर 2 निकालें, शुरुआत यहां से करें तो ऑब्वियसली दैट इज 1, 0, 1/2, 1 और यहां पर भी 1, 0, 1/2, 1। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे यार और रो बाय कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास 1 × 1 ये 1 आएगा, ये 0 आएगा और यहाँ पर आपका 2 × 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखो ध्यान से, मतलब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, हमें ना एक पैटर्न ढूंढना होता है, a की पावर 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, a की पावर 3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 1 आ रहा था तो 2 × 1/2 लिख दिया क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 यहाँ आ रहा है और ये हाफ है। और ध्यान से देखें, अगर मैं a की पावर 3 करूँगा तो बेसिकली a² को a से मल्टीप्लाई या a को a² से कर दूँ, एक ही बात है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1, 0 और ये 3/2 जिसको कि मैं 3 × 1/2 और ये 1 एज इट इज आएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही, ये सब आएगा, a² आया, a³ आया, तो हम एक पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं। अगर यहाँ पावर 2 है तो ये वाला पोर्शन, ये वाली प्लेस पर नंबर तो सेम आ रहा है, बस यहाँ पर सेम, यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, हाफ था a² के केस में, a² के केस में 1/2 × 2 हो गया, a³ के केस में 1/2 × 3 हो गया, तो कंटिन्यू करते चलेंगे तो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा ये। तो a की पावर 100 की जो वैल्यू है वो 1, 0 और यहाँ पर 100 × 1/2 और ये 1 आ जाएगा। और दोस्तों दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ अपनी बात, ए दिया हो, ए की पावर, बहुत बड़ी पावर निकालना हो तो a² a³ इस तरीके से निकाल के आप पैटर्न ढूंढें, उस पैटर्न से आपको पता लगेगा कि ए की पावर क्या आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ए का पैटर्न ढूंढें, ए की पावर का पैटर्न ढूंढेंगे तो एक उस पैटर्न को देखते हुए a की पावर 100, a की पावर 1000 व्हाटएवर इज गिवन टू यू, यू विल बी एबल टू डू, राइट। चलिए तो ये था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगर, यानी इफ ए की वैल्यू अगर 1, 1, 1, 1 है, 1, 1, 1, 1 है एंड n belongs to natural number, n किसी natural number को belong कर रहा है, then अपने को prove करना है, then prove that, क्या prove करना है, a की power n is 2 की power n minus 1 into a। ये school level के भी questions हैं और competitive part के भी, JEE के लिए भी, दोनों केस में आपको help मिलेगी। ये जो questions मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझें। अगर ए की वैल्यू 1, 1, 1, 1 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 दिया हुआ है क्योंकि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं और एन किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो अपने को प्रूव करना है कि ए की पावर एन 2 पावर n-1 × a के बराबर है। ए की पावर एन 2 पावर n-1 × a के बराबर है। तो दोस्तों जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में कहा था, जब भी ए की हायर पावर के बारे में बात करना है तो आप a² a³ निकालें, पैटर्न ढूंढें, पैटर्न के हिसाब से कमेंट करें। यानी जैसे मैं a की पावर 2 निकालना चाहता हूँ मान लो, तो 1, 1, 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 1, 1, 1, 1। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, हर जगह पर 2, 2, 2, 2 आ जाएगा रो बाय कॉलम ऑपरेशन करते वक्त। तो अगर हम a की पावर 3 निकालेंगे तो a² × a लिख दो या a² लिख दो, a की बात है, 2, 2, 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय a क्या है, 1, 1, 1, 1। एज अ रिजल्ट ये क्या आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखें,
रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 + 2 × 1 हर प्लेस पर 2 + 2 = 4 यानी 4 4 4 4 हर प्लेस पर ये आ जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी ए की पावर 3 को मैं इस 4 को इस पूरे मैट्रिक्स में से अगर मैं कॉमन ले लूं, इट इज ए पावर 3 इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए। यस और नो? ये बात समझ में आ रही है? ए पावर 3 किसके इक्वल आएगा? 4 टाइम्स ऑफ, अंदर में मैट्रिक्स में क्या बचेगा? 1 1 1 1 और 1 1 1 1 कौन है? मैट्रिक्स ए। तो ध्यान से देखें, इससे साफ पता लग रहा है, ये पैटर्न मिल तो गया अपने को। क्या पैटर्न मिला? अरे भाई, ए की पावर 3 जो है 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए आया, यानी यानी ए की पावर अगर एन है तो 2 की पावर एन माइनस 1 इंटू ए है। क्यों? क्योंकि ये 4a लिखा है। तो ध्यान से देखें, ए की पावर एन, एन अगर 3 है, एन यहां पर 3 था, तो ये 2 की पावर 2 है, तो यानी 2 की पावर 3 माइनस 1 है। मेरी बात समझ रहे? ए पावर एन अगर 2 पावर एन माइनस 1 इंटू ए के बराबर है, तो ये बात देखो ध्यान से प्रूव हो जा रही है। मैंने कुछ निकाला, दोबारा दोहरा रहा हूं अपनी बात। ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला, पैटर्न ढूंढा, ये लिखा नोट, पैटर्न नोट करने के बाद, और ए पावर 3 यहाँ 3 है तो ये 2 की पावर 2 है, जिसको कि 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, और एज अ रिजल्ट आपका ये सवाल प्रूव हो जाता है। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस करने में आपको काफी आसानी हो जाएगी, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इनके थ्रू। अगला क्वेश्चन अगर मैं लूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स हमें अगर दिया जाए पी क्यू 0 1, ये दिया जाए, देन अपने को प्रूव करना है, देन शो दैट, अपने को क्या शो करना है? देन शो दैट a की पावर 8 किसके इक्वल आ गया? a की पावर 8 विल बी इक्वल टू p की पावर 8 इन और q टाइम्स ऑफ p पावर 8 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, और यहां पर 0 और यहां पर 1। हमने ये बात प्रूव करनी है, a पावर 8 जो है वो इसके इक्वल आ जाए। दिस इज गॉट टू बी प्रूव्ड। फिर से वही सवाल, ध्यान से देखिए, a की हायर पावर है, a की 8 पावर के बारे में बात करी गई, तो मैं क्या करूंगा? आप सबके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या करा जाए? a स्क्वायर निकालो। a स्क्वायर जैसे निकालोगे यारो, तो आप रो बाय कॉलम ऑपरेशन करोगे, तो ये बनेगा p स्क्वायर, और यहां बनेगा q टाइम्स ऑफ p प्लस 1, और यहां 0 और यहां पर 1 एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करूं, कुछ पैटर्न मिला यहां से? नहीं मिला। a क्यूब निकालो, a की पावर जैसे ही आप 3 करोगे तो a स्क्वायर इंटू a कर दें, या a इंटू a स्क्वायर कर दें, सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगी p पावर 3 और q टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, और यहां पर 0 और 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, पैटर्न मिलना शुरू हो गया। a पावर 8 निकालना है, तो ध्यान से देखें कि यहां पर a पावर 2 है तो p पावर 2 आ रहा है, a पावर 3 है तो p पावर 3 आ रहा है, तो a पावर 8 है तो यहां पर p पावर 8 आएगा, यहां 0 है तो 0 ही आ रहा है, यहां 1 है तो 1 ही आ रहा है, हर एक केस के अंदर में 1 आ रहा है, और यहां पर a पावर 3 है तो q तो आ ही रहा है टाइम्स ऑफ 1 से लेकर के p पावर 2 तक का एडिशन है, p और यहां पर a पावर 2 है तो p पावर 1 तक का एडिशन है, तो बस बात खत्म हो जाती है। q टाइम्स ऑफ 1 प्लस p प्लस p स्क्वायर एंड इट गोज ऑन अप टिल p की पावर कहां तक? 7 तक जाना है, क्योंकि आई एम श्योर ये बात समझ आ गई है, क्योंकि यहाँ पावर 3 है तो पावर 2 तक जा रहे हैं, तो पावर 8 है तो पावर 7 तक जाएंगे। अब ध्यान से देखें दोस्तों, ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, जिसका कि आप आंसर इजीली ना हम निकाल सकते हैं। आई एम श्योर यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, राइट? तो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे आपको 3 सवाल कराए, उम्मीद है ये सारे के सारे सवाल समझ में आएंगे। अब इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे, राइट? क्लियर है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया।